अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आईएनई टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। कश्मीर के हालात पर गौर व खौज के लिए आल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल का एक इजलास आज अजमेर शरीफ में मुनक्किद हुआ। दीवान और सज्जादा नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सैयद ज़ैनुल आबिदीन रेली खां के फर्जंद मौलाना नसीरुद्दीन ने सदारत की। हैदराबाद से जिन उलमा और सज्जादेगान ने शिरकत की उनमें मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन, मौलाना सैयद इसरार हुसैन रजवी, मौलाना सैयद वहीद पाशा खादरी और मोहम्मद शुजाउद्दीन इफ्तखारी शामिल थे। बाद एक बयान जारी करते हुए सदरनशीन कौंसल मौलाना सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने बताया कि ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसल के वफद ने हाल ही में जम्मू कश्मीर का दौरा किया था ताकि दफा 370 की बर्खास्तगी के बाद वहाँ के हालात का जायजा लिया जा सके। उन्होंने बताया कि उनका दौरा गैर सरकारी था लेकिन हुकूमत ने इसके लिए हर मुमकिन मदद फराहम की थी। वफद ने दरगाह हजरत बल के बशमूल श्रीनगर की कई मसाजिद और दरगाहों का भी दौरा किया। मौलाना नसीरुद्दीन ने बताया कि श्रीनगर में कोई पाबंदियां नहीं है, मार्केट अगरचे के बंद है तो वो सिर्फ और सिर्फ खौफ और दहशत की वजह से बंद है। हुकूमत की तरफ से दुकानात और बाजार को बंद नहीं करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सज्जादा नशीन कौंसिल अपने दौरे की रिपोर्ट और सिफारिशात मरकजी हुकूमत को पेश करेगी ताकि जरूरी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बताया कि मुल्क के हर बड़े शहर में एक सूफी सेंटर भी कायम किया जाएगा। हमारी कौंसिल में माशाल्लाह 300 से ज़्यादा दरगाहें जुड़ चुकी हैं और हर स्टेट में हमारी कौंसिल के नुमाइंदे हैं। हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में हर स्टेट में इंफरादी ऐसे इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर हम कैपेबल हैं तो हम हमारी तरफ से शुरुआत करें सूफी सेंटर के लिए ज़मीन खरीद करके वहाँ बनाने की, और नहीं तो हुकूमतें जो हैं सूबाई हुकूमतें उनसे हम लोग रब्ता कायम करें और उनसे उनके हेल्प लेकर के सूफी सेंटर को इस्टेब्लिश करें जिससे तसव्वुफ़ और सूफिज़्म की तालीम खासतौर से यंग जनरेशन में जो प्रेजेंट सिनेरियो है तो दुनिया का जो नफरत का माहौल उसको दूर करने के लिए ज़रूरत है। आज एक मत से कोई सूफी सेंटर घोषणा करने जा रहे हैं? सूफी सेंटर बहुत जल्दी हम आपको इसके लिए बुलाएंगे अलग से, बहुत जल्दी हम एक सूफी सेंटर की शुरुआत करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह की शुरुआत हम दिल्ली से करेंगे। अगर अच्छा सॉरी परेशानी नहीं कश्मीर में, देखिए कश्मीर के हमने हमारे बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा वहाँ पर हमारे पास जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे कि वहाँ पर इस तरह का जुल्म जबर हो रहा है, तो जिन लोगों से हमारा इंटरेक्शन हुआ, जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई, उसमें एक चीज़ तो बहुत क्लियर आई कि वहाँ पर पिछले 2.5-3 महीने में ना तो कोई पत्थरबाजी हुई है, ना किसी किस्म के जोर जबर हुआ, ना किसी किस्म की कत्लोगारत हुई है वहाँ की जो फोर्सेज वहाँ लगी हुई उनके ज़रिए। हाँ, लोगों में नाराज़गी थी कि उनकी बेसिक जो ज़रूरत है जैसे टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम है, बिज़नेस लोगों के ठप हो चुके हैं, जो किसान हैं उनकी खेती जो सेब की खेती वहाँ बहुत अच्छी होती है, तो उन लोगों को जो लॉस हुआ है उसके लिए वो लोग सदमे में भी हैं, गुस्से में भी हैं, उसके लिए उसके सद्देबाप किया जा सकता है, उसकी उनकी परेशानियों को दूर किया जा सकता है, उसके लिए हम ये रिकमेंडेशन कर रहे हैं। मैंने पूरी एक रिपोर्ट दीवान साहब किमला की खिदमत में दी है क्योंकि हम आपके डायरेक्शन पर गए थे, तो आप वो अपने लेटर पैड पर इंशाल्लाह वो हुकूमत से उसकी डिमांड करेंगे और वहाँ की प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने यूनानिमसली पूरी कौंसिल ने ये तय किया है कि कश्मीर की फलाह बहदूद के लिए, वहाँ के लोगों की तरक्की के लिए हम एक ब्रिज की शक्ल में काम करेंगे, जैसा मैंने आपको पढ़ के बताया है। इसके ऊपर आपके कुछ सवाल आपको बताया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।